लेकिन दो इबादतें ऐसी जिसका ताल्लुक माल से है, एक है ज़कात और एक है हज। ज़कात अदा करने के लिए माल का होना शर्त है, हज अदा करने के लिए माल का होना शर्त है। अगर माल नहीं तो उस पर यह फर्ज आयद नहीं होता, लेकिन ज़कात की फर्जियत को तो हर मुसलमान मानना पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकते कोई। तो ये दो इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक माल से है। यहां एक अजीब नुक्ता निकलता है दोस्तों, माल अगर कोई बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला इबादत को माल के साथ न जोड़ते। माल भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, माल अल्लाह ताला के अता में से एक अता है। अगर माल बुरी चीज होती, माल का रखना बुरा होता, दौलत का कमाना बुरा होता, घरों का रखना बुरा होता, तो फिर अल्लाह ताला अपनी इबादत को माल के साथ न जोड़ते। और आप हजरात इससे पहले भी सुने, कुरान मजीद ने कई जगह पर माल को खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो माल एक हैसियत से बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इहयाउल उलूम में माल के फवाइद और माल के नुकसानात पर कई बहसें लिखी हैं। माल के बेशुमार फवाइद है, माल फी नफ्सी ही गलत नहीं, दौलत फी नफ्सी ही गलत नहीं। अंबिया की भी दो किस्में गुजरी है, एक जमात अंबिया की वो जो बहुत गरीब गुजरी, एक जमात अंबिया की वो जो बहुत मालदार भी गुजरी, जैसा कि हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक बहुत बड़े मुल्क के वजीर फाइनेंस रहे, वजीर खजाना रहे, और हुकूमत अल्लाह तबारक व ताला ने अता कर दी। और अंबिया के बाद हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मकाम मरतबा आता है। उम्मत को नमूने के लिए सबसे पहले अंबिया की मिसाल दी जाएगी, और अंबिया के बाद हजरत सहाबा की मिसाल दी जाएगी। और सहाबा की भी जमातों की दो किस्में बनती है, एक वो जमात जो बहुत गरीब व मोहताज थी, बहुत गरीब व मिस्कीन थी, उनके पास माल नहीं था, आता अल्लाह ताला देते और खा लेते, सुबह खा लिए तो शाम अल्लाह के हवाले कर देते, और शाम खा लेते तो सुबह अल्लाह के हवाले कर देते। एक जमात हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की गरीब गुजरी, तो दूसरी जमात हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ऐसी भी गुजरी है जो तारीख में बहुत ज्यादा माल रखने वाले, जैसे कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मालदार थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी बेशुमार माल था, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी बेशुमार माल था। और कभी अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी से यह नहीं कहा कि उस्मान तेरे पास दुनिया बहुत है, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ तेरे पास दुनिया बहुत है, ऐ उस्मान तो हलाक हो जाएगा, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ तो हलाक हो जाएगा, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को डांटा, न हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को डांटा, और खुद हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ऐसे मालदार तरीन सहाबा को न ताना देते थे न तशनी देते थे। इससे साफ पता चलता है कि दौलत भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह तबारक व ताला की अताओं में से एक अता है। माल का होना अच्छा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत अल्लाहु अकबर, आज तक ऐसा कोई मालदार नहीं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौलत आज भी जिंदा है।
उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बागात आज भी तरोताजा हैं। तन्नों के हिसाब से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम पर वफ किए हुए बागात के खजूर बाजार को आते हैं और फरोख्त होते हैं, और वो पैसा ममलकत सऊदी अरबिया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के अकाउंट में दाखिल करके रिफाही काम में इस्तेमाल करती है। मैं इससे पहले भी आपके सामने अर्ज किया, हमारी दौलतें वो जो हमारे मरने के बाद मर जाती है। उस्मान की दौलत 1450 साल तकरीबन गुजर गए, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा, आज भी उनके काम से अल्लाह तबारक व ताला के बंदों को फायदा पहुंच रहा है, मदीने मुनव्वरा को फायदा पहुंच रहा है, सारी दुनिया के गुरबा को फायदा पहुंच रहा है। इंडोनेशिया और मलेशिया, इराक और ईरान और साउथ अफ्रीका के गरीबों में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौलत के हिस्से तकसीम होते हैं। अभी मैं कल रात पढ़ते पढ़ते मुझे बात पहुंची, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खजूर के बागात का जो खजूर निकलता है साल में एक मरतबा साउथ अफ्रीका के गरीबों के रोजेदारों के लिए, वहां का खजूर वहां जाता है। इसे कहते हैं जिंदा दौलत, बाकी दौलत उस्मान गए लेकिन दौलत जिंदा है, और वही दौलत जिंदा होती है जिसका एक एक पाई हलाल हो, जो खून पसीने और मेहनत से कमाया गया हो, वही दौलत जिंदा रहती है जिसमें सूद दाखिल न हो, वही दौलत जिंदा रहती है जिसमें झूठ दाखिल न हो, वही दौलत जिंदा होती है जिसमें मकर फरेब दाखिल न हो, वही दौलत जिंदा होती है जिसके अंदर बेवा और यतीमों की आहे दाखिल न हो, वही दौलत जिंदा होती है जिससे अल्लाह तबारक व ताला राजी और अल्लाह के रसूल राजी हो, आज भी जिंदा है। दौलत भी नफसी ही व बिजाती ही बुरी चीज नहीं, इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं इकोनॉमी पोजीशन मजबूत करो, खूब कमाओ, रास्ते कमाने के तलाश करो, अल्लाह के पास दौलत भी पूछो, अल्लाह अच्छी दौलत अता फरमा, नाफिल दौलत अता फरमा, जार दौलत से नुकसान पहुंचाने वाली दौलत से हिफाजत फरमा। वक्त बेकार न करो नौजवानों, वक्त को काम में लाओ। अगर अल्लाह ताला तिजारत के रास्ते में रखा है, खूब मेहनत करके तिजारत करो। मुलाजमत के रास्ते में रखा है, पाबंदी के साथ मुलाजमत करो, अपने वक्त को जाया न करो। खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूं मैं, अपनी दौलत की पोजीशन भी मजबूत करो, इस्लाम इससे कभी रोकता नहीं है, कोई मौलवी आपको रोकता नहीं, कोई मुफ्ती आपको रोकता नहीं, कोई अल्लाह का वली आपको रोकता नहीं। जितनी इज्जत इस्लाम में गरीबों को है, उतनी ही इज्जत इस्लाम में मालदारों को भी है, और जितनी इज्जत इस्लाम में मालदारों को है उतनी ही इज्जत इस्लाम में गरीबों को भी है। किसी मौलवी को इस बात की इजाजत नहीं कि अमीरों को और मालदारों को हिकारत की निगाहों से देखे, किसी मुफ्ती को इस बात की इजाजत नहीं कि अमीरों और मालदारों को हिकारत की नजर से देखे। एक तरफ गुर्बत बहुत बड़ी नेमत है तो दूसरी तरफ दौलत बहुत बड़ी नेमत है। हाँ हाँ, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम ने बड़ा कीमती जुमला इरशाद फरमाया, बड़ा मजेदार जुमला इरशाद फरमाया, इस्लाम को हारून की दौलत की जरूरत नहीं, उस्मान की दौलत की जरूरत है। इस्लाम को हारून की दौलत की जरूरत नहीं, उस्मान की दौलत की जरूरत है। कर तू भी तरक्की दुनिया में, उस्मान की दौलत पैदा कर, कमाओ खूब कमाओ, एक आधा घंटा आटे चलाने से 100 रुपए और मजीद मिलने की आपको उम्मीद है, और वो आधा घंटा घर में बैठकर आईपीएल मैच देखने के बजाय, कैरम बोर्ड खेलने के बजाय, मोबाइल में टिकटॉक में मुब्तला होने के बजाय, और आधा घंटा मेहनत करके लाओ और अपनी बीवी बच्चों पे माल खर्च करो, मस्जिद और मदारिस पर माल खर्च करो। अगर दौलत बुरी चीज होती और दौलतमंद अच्छे ना होते, दौलत को
इस्लाम पसंद न करता, इतनी मस्जिदें आसमान से नहीं उतरी, मालदारों के चंदों से मस्जिदें बनी है, इतने मदरसे जो चल रहे हैं, अल्लाह ताला चावल आसमान से नहीं उतार रहा है, गेहूं आसमान से नहीं उतार रहा है, असातजा की तनख्वाह जिब्राइल लाकर नहीं देते, अल्लाह ताला ने मालदारों को जरिया बनाया है, मालदार मदारिस अरबिया को देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस अरबिया को, खुसूसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मदारिस अरबिया को हुकूमत नहीं चलाती, अल्लाह के नेक बंदे चलाते हैं। यह फलसफा आज तक फिरका परस्तों को समझ में नहीं आया, ये राज आज तक दुश्मनान इस्लाम को समझ में नहीं आया, ये राज आज तक इस्लाम के दुश्मनों को समझ में नहीं आया, ये राज आज तक मदारिस के दुश्मनों को समझ में नहीं आया कि हम नोट भी बंद करते हैं, टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, एडिट के खवानीन पैदा करते हैं, लेकिन आज तक मदरसे दौलत की कमी की वजह से बंद नहीं हुए, ये मदरसे कैसे चलते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हुजूर की उम्मत में ऐसे मालदारों को पैदा किया हूं जो 10 रुपए से लेकर 10,000 तक, 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अपनी दौलत पाकीजा से मदारिस अरबिया को देते हैं। इसीलिए मालदारों को इस्लाम हकीम निगाहों से देखने की इजाजत नहीं देता। मालदार भी इस्लाम में मुस्तहसन है, मालदार भी इस्लाम में इस्तेहसान है। अगर ये मालदारों की दौलत ना होती फिर मैं दोबारा कहने पर मजबूर हूं, ये मस्जिद की तामीर कैसे होती? ये मालदार ना होते ये मदारिस अरबिया कैसे चलते? ये मालदार ना होते तो फिर बीवाओं को काम कैसा होता? मालदार ना होते यतीमों की जिम्मेदारियां कैसे होती? मालदार ना होते बैतुल माल कैसे चलते? माल और मालदार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक बात याद रखो, माल का सीधे रास्ते से आना भी जरूरी है और माल का सीधे रास्ते में जाना भी जरूरी है। और आपको समझाने के लिए इससे बेहतर अल्फाज नहीं होंगे, माल का इनकमिंग भी अच्छा हो, माल का आउटगोइंग भी अच्छा हो, माल का इनकमिंग अच्छा हो और माल का आउटगोइंग अच्छा हो तो माल ना जाए होता है ना मालदार जाए होता है।